तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आप देख रहे हैं हमारे पास तीन इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, 2x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल टू 10, 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 18 एंड x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 16। तो आपने दोस्तों क्लास 10th में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, आपने देखा होगा कि उसमें दो इक्वेशन दी रहती थी और हम उसमें एलिमिनेशन मेथड से एक वैल्यू को ज़ीरो कर देते थे। तो सेम मेथड इसमें भी अप्लाई होगा, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। एलिमिनेशन मेथड ही इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो देखिए मैंने लिख ले यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं सबसे पहले तो दोस्तों मैंने इक्वेशन सेकंड ले लिया है, फर्स्ट ले लिया है। अब दोस्तों देखिए हमें इस इक्वेशन में ये करना है कि हमें कोई भी एक वैल्यू, मतलब इसमें से या तो एक्स या तो वाई या तो जेड, इनमें से कोई हमें ज़ीरो करना होगा। तो अब हम ज़ीरो किस तरीके से करेंगे वो देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ एक्स को ज़ीरो। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस थ्री की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दूँगा और इस टू की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दूँगा तो ये दोनों सिक्स हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा फिर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लाई टू इन इक्वेशन सेकेंड एंड मल्टीप्लाई थ्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखा है मल्टीप्लाई टू एंड थ्री, तो टू की मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड में करनी है, तो टू की मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में और थ्री की मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैं थ्री की मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में करता हूँ, तो थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस थ्री वन जा थ्री वाई प्लस थ्री वन जा थ्री मतलब थ्री जेड इक्वल टू थ्री टेन जा थर्टी। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा अब इस वाली इक्वेशन में टू की मल्टीप्लाई होगी, तो टू थ्री जा सिक्स प्लस टू टू जा फोर वाई प्लस टू थ्री जा सिक्स जेड इक्वल टू थ्री एटीन इक्वल। तो टू की मल्टीप्लाई एटीन में, तो एटीन टू जा थर्टी सिक्स। ये हो गया हमारा। अब इसको हम एलिमिनेट करेंगे, तो किस तरीके से, इसके साइन अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ये ज़ीरो हो गया। अब बचेगा क्या, ये देखिए माइनस का ये हो गया, तो यहाँ पे माइनस वाई बचेगा, माइनस थ्री जेड इक्वल टू माइनस सिक्स। तो इसको हम इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। चलिए ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने इस बार लिया था इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, अब की बार हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड। आप ध्यान रखिए एक बात, इक्वेशन फर्स्ट कॉमन है और इक्वेशन सेकंड और थर्ड को बार बार लेंगे, अलग अलग करेंगे वैल्यू। जिस तरीके से मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिया था और सेकंड लिया था, इस बार इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड लेंगे। तो देखिए करते हैं अब इक्वेशन। नाउ एलिमिनेट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो अब थर्ड करते हैं। अब एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें क्या करूँगा, ये 2x है और हमारा इक्वेशन ये है थर्ड, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो मैं इसमें देखिए क्या करूँगा, मुझे इसमें भी एक वैल्यू सुको। एक बात ध्यान रखिए कि जो आपने ऊपर में जिस वैल्यू को ज़ीरो किया है, जिस वैल्यू को आपने ऊपर ज़ीरो किया है, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हमने एक्स की वैल्यू को ज़ीरो कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप अगला इक्वेशन बना रहे हैं उसमें भी एक्स की वैल्यू को ही ज़ीरो करना है, ताकि एक वैल्यू गायब हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक्स वैल्यू ज़ीरो होगा, तो मैं इस वाले क्वेश्चन में भी एक्स ही करूँगा, इसमें भी मैं एक्स को ही ज़ीरो बनाऊँगा। तो ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं इस टू की मल्टीप्लाई इसमें एक्स में कर दूँगा तो ये टू एक्स हो जाएगा। तो मतलब कि मैं टू की मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड में कर दूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो आइए करते हैं, मल्टीप्लाई टू इन इक्वेशन थ्री,
मैंने कर दिया इक्वेशन थ्री। अब उसके बाद इसको करते हैं, तो किस तरीके से हमारा टू जो फर्स्ट इक्वेशन है वो एज इट इज उतर जाएगा, और जो सेकंड इक्वेशन उसमें टू की मल्टीप्लाई करके, तो देखिए टू की मल्टीप्लाई में करेंगे तो टू एक्स, टू की मल्टीप्लाई में करेंगे तो एट वाई प्लस, और टू की मल्टीप्लाई में करेंगे तो एटीन इक्वल टू, और टू की मल्टीप्लाई सिक्सटीन में करेंगे तो थर्टी टू। ये हो गया हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू ज़ीरो करेंगे, तो आइए इसका पोजीशन लगाते हैं, माइनस 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 माइनस, ये ज़ीरो हो गया। उसके बाद क्या बचा, माइनस सेवन वाई माइनस सेवनटीन जेड जेड, और इसमें से माइनस होगा तो माइनस का ट्वेंटी टू। अब इस इक्वेशन को मान लीजिए आप फिफ्थ इक्वेशन, इस इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन मान लीजिए। अब आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को फिफ्थ मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो हमारी फिफ्थ और फोर्थ इक्वेशन आई है उस इक्वेशन को लेंगे। तो हमारी फोर्थ इक्वेशन जो है वो है हमारे पास माइनस वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू माइनस सिक्स, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। और उसके बाद फिफ्थ इक्वेशन है माइनस सेवन वाई माइनस सेवनटीन जेड इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। चलिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब इस इक्वेशन को एलिमिनेट करना है। तो आप इस इक्वेशन को एलिमिनेट कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को जीरो रखना है। तो जीरो करने के लिए क्या करेंगे आप, या तो इसको जीरो कर लीजिए या तो इसको जीरो कर लीजिए, जो आपको ईजी लगे उसको जीरो कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, सेवन की मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर में कर देता हूँ, जिससे कि ये जीरो हो जाएगा। तो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन, नाउ मल्टीप्लाई सेवन इन इक्वेशन, मल्टीप्लाई सेवन इन इक्वेशन फोर्थ, इन इक्वेशन फोर्थ। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो सेवन बन जा सेवन, माइनस सेवन वाई का माइनस सेवन वाई, सेवन थ्री जै ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन जेड इक्वल टू सेवन सिक्स जै फोर्टी टू, माइनस का फोर्टी टू। अब ये एज इट इज उधर जाएगा, सेवन वाई माइनस सेवनटीन जेड, सेवनटीन जेड आ गया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, माइनस ट्वेंटी टू उतर गया, अब इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था और अपोजिट साइन ज़ीरो करने के लिए, तो ये ज़ीरो हो गया। अब क्या आया, अब यहाँ पर क्या आ गया, ये देखिए यहाँ पर आपका आएगा माइनस फोर जेड इक्वल टू माइनस का ट्वेंटी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा फाइव। तो आपकी जेड की वैल्यू निकल गई है। अब इस जेड की वैल्यू को आपको क्या करना है, इक्वेशन फोर्थ या फिफ्थ में रख दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फोर्थ में इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो अब क्या है, यहाँ पर क्या है, माइनस वाई, तो माइनस वाई की जगह माइनस वाई, माइनस वाई की जगह माइनस वाई, माइनस थ्री इंटू जेड की जगह पे क्या रखेंगे फाइव इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस का सिक्स। तो देखिए माइनस वाई माइनस फिफ्टीन इक्वल टू माइनस का सिक्स, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस फिफ्टीन, माइनस वाई इक्वल टू नाइन, और वाई इक्वल टू माइनस का नाइन। अब देख रहे हैं हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई, एक्स सॉरी वाई की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालनी लास्ट वैल्यू, वो है एक्स की वैल्यू। तो अब हम इसके लिए लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमारे सबसे स्टार्टिंग में देख लीजिए, ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें क्या करूँगा, मैं वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू पुट कर दूंगा और हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उतार लेते हैं इक्वेशन को। हमारा इक्वेशन है टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टेन, इसमें क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू आएगी टू एक्स प्लस माइनस नाइन प्लस फाइव इक्वल टू टेन, टू एक्स माइनस नाइन प्लस फाइव इक्वल टू टेन, टू एक्स इक्वल टू माइनस फोर इक्वल टू टेन, और टू एक्स इक्वल टू फोर्टीन, टू एक्स इक्वल टू फोर्टीन फोर्टीन, और एक्स इक्वल टू सेवन।
तो आप देख सकते हैं हमारी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और आप इन तीनों की वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं, आपकी वैल्यू सही आएगी। तो अब तो थैंक यू।